नमस्कार दोस्तों, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। आप एमपी स्पेशल को पूरा देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अभ्यास माला, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से को सम्मिलित करना है, सूची एक और सूची दो। तो इसका है बी ऑप्शन सही। कपास अनुसंधान कहाँ है? खरगोन में। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं एवं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित कहाँ है? खमरिया जबलपुर में। वानिकी अनुसंधान कहाँ है? छिंदवाड़ा में, याद रखिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है इसमें भी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। पुलिस वायलेंस प्रशिक्षण महाविद्यालय ए का है, इंदौर में। ठीक, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये है हमारा सागर। स्वान प्रशिक्षण केंद्र ये है भदभदा। और नौ आरक्षण प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र ये है जबलपुर में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है इसमें भी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? ये भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये ग्वालियर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी ये हमारा भोपाल में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये जबलपुर में है। ठीक है, फिर है चौथा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पवार खेड़ा। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी। भूग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? एक गुना में। आपदा प्रबंध संस्थान ये भोपाल में है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ जबलपुर ग्वालियर में है, ये गलत है क्योंकि इंदौर इंदौर और ग्वालियर में है, जबलपुर में मुख्य पीठ है। दूसरा है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सभी आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। ये सही है। ठीक, ईको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश एको एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में नहीं है, ये गलत है। तो इसमें कौन हुआ? बी ऑप्शन सही है, पांचवे का बी सही है। फिर छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, ये सही है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में, ये भी सही है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम का मुख्यालय भोपाल में, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही है, चार। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
मध्य प्रदेश मानव महिला उपभोक्ता आदि आयोगों के मुख्यालय भोपाल में है, सही है। माटी कला बोर्ड एवं ध्रुपद संगीत इंदौर में अवस्थित है, ये गलत है। मध्य प्रदेश चरम विकास निगम का मुख्यालय जबलपुर में है, ये भी गलत है। उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल में, ये भी सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, तो इसमें आठ में बी ऑप्शन सही है। प्रथम महिला न्यायाधीश तो ये थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम महिला राज्यपाल तो ये थी प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन थी, सुश्री सरला गेवाल। प्रथम महिला आईपीएस तो ये थी कुमारी आशा गोपाल। प्रथम महिला मुख्य सचिव तो ये थी निर्मला बोच, बी ऑप्शन सही है। फिर है नौवां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल पट्टाभि सीतारमैया। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम लोकायुक्त पी बी दीक्षित। ठीक, दसवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त श्री टी एन श्रीवास्तव थे, तीनों सही है, डी ऑप्शन होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी प्रथम आदिवासी महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी, तो याद रखना है आपको उर्मिला सिंह, हिमाचल प्रदेश की बनी थी उर्मिला सिंह। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो आपको याद रखना है गुना। 13वां क्वेश्चन है, इंदौर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र स्थापित है इंदौर में, सही है। मध्य प्रदेश का पहला प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर, सही है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी केंद्र है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र, ये गलत है। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन भोपाल जिले के संदर्भ में सही है। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सही है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क, सही है। मध्य प्रदेश का पहला सर्फ उद्यान प्रस्तावित है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, ये भी सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। फिर है 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सागर जिले के संदर्भ में सही है। मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला, सही है। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य एरड अभिलेख से प्राप्त हुए, जो सागर जिले में, ये भी सही है। साउर नामक जनजाति से संबंध है सागर का, सही है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हरी सिंह गौर, ये भी सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है इसमें। फिर है 16वां क्वेश्चन, 16वां है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, शिवपुरी, शिवपुरी। फिर 17वां क्वेश्चन, देवास जिले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात औद्योगिक पार्क, सही है। बैंक नोट प्रेस, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला सेल्फ ग्राम, ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर हमारा
18वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज भोपाल में, ये भी सही है। देश का पहला राज्य जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम पारित किया, ये भी सही है। देश का पहला सोलर पार्क राजगढ़ जिले में है, ये भी सही है। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है, डी ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, इनमें से कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है? तो याद रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगती है, राजस्थान से, और महाराष्ट्र से लगती है, झारखंड से नहीं लगती है। ठीक है, झारखंड से सीमा नहीं लगती है। फिर 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, याद रखना। ठीक, असत्य है। वर्ष 2010-11 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान बनारस घराने की गायिका सुश्री सविता देवी को दिया गया था, ये सही है। अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शन भोपाल में किया गया, ये भी सही है। खजुराहो में इको टूरिज्म में कॉन्क्लेव फरवरी 2012 में आयोजित किया गया, ये भी सही है। अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में संपन्न हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है, याद रखिए। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? वर्ष 2010-11 का लता मंगेशकर पुरुष सम्मान फिल्म संगीत के राजेश रोशन को प्रदान किया गया, ये सही है। इसरो द्वारा राष्ट्रीय कार्बन परियोजना के तहत देश के चौथे कार्बन अनुमापन केंद्र की स्थापना बैतूल जिले के सुख्यान नामक जगह पर की गई, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्याज का उत्पादन नीमच जिले में होता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 26 दिसंबर को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अगला है 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां, मध्य राज्य के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्ड किसकी सहायता से लगाया गया? रिकॉर्डर, तो याद रखिए 22 का है, ए विश्व बैंक की। फिर है, इंदौर के बारे में कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है? ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला है, ये भी सही है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग है, ये गलत है। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है 23 का। 24, खंडवा जिले के संदर्भ में विचार की करना है। ठीक है, खंडवा जिले की, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है, सही है। ओमकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग यहीं पर अवस्थित है, ये भी सही है। किशोर कुमार की जन्मस्थली, ये भी सही है। सिंगाजी का मेला, एक गलत है। ठीक, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका भी, इसका भी बी ऑप्शन सही है 24 का। फिर 25, आदिवासी खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना आपको, सीहोर, ए ऑप्शन सही है। रीवा प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है, शेरों के लिए, सफ़ेद शेर के लिए। ठीक है, फिर है 27, सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता है, याद रखिए अलीराजपुर में, सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता कहाँ है? अलीराजपुर में। 28वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रमशः सर्वाधिक व सबसे कम कुपोषित जिला है, सर्वाधिक व सबसे कम। ठीक है, तो इसका है शिवपुर और भोपाल, सी ऑप्शन है 28 का।
मध्य प्रदेश का प्रथम झींगा हैचरी किस जिले में स्थापित की गई? तो याद रखना है आपको बालाघाट। 29 का है बालाघाट। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिदवाड़ा पर आधारित पुस्तक द जंगल बुक के लेखक कौन थे? तो रुडयार्ड किपलिंग। 31वां क्वेश्चन है, संस्कृत ग्राम के नाम से प्रसिद्ध मोहत ग्राम जहाँ सभी व्यक्ति संस्कृत बोलते हैं वह किस जिले में है? तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर। ठीक है, फिर है 32। निम्न कथनों पर विचार करना है। 32वां क्वेश्चन, इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है? ये सही है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है? ये भी सही है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? ये भी सही है, यानी कि 32 का डी ऑप्शन सही है तीनों। ठीक, फिर 33वां क्वेश्चन, नवजीवन शिविर जो कि वर्तमान अशोकनगर की मुंगावली नामक स्थान पर है क्या है? खुली जेल, सी ऑप्शन सही है। फिर 34, मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कॉलोनी कहाँ पर है? कॉलोनी होशंगाबाद, बी ऑप्शन है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग 35वां क्वेश्चन, 10 लाख की जनसंख्या वाला कौन सा शहर नहीं है इनमें? 35वां क्वेश्चन है, तो याद रखिए उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर है, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक, फिर है 36वां क्वेश्चन, कौन सा 36 नंबर का, जबलपुर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है, ये सही है। यह देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र है, ये भी सही है। राज्य का विज्ञान से शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। यहाँ राज्य का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है, ये गलत है, डी डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 36 का डी है। फिर है 37, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 37, इस उद्यान में हवाई पट्टी है, ये सही बात है। राज्य का एकमात्र उद्यान जहाँ बारह सिंगर पाया जाता है, ये भी सही है। 1955 में स्थापित मंडला जिले में राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सही है। इस उद्यान को हालो बंजर घाटी भी है, ये भी सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, फिर 38, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी अंतिम स्थान व पश्चिमी अंतिम स्थान की मध्य समय में कितना अंतर है? तो आपको याद रखना है 34, 34 मिनट, ए ऑप्शन सही है 38 का। फिर है 39, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है, उनतालीस, तरक रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ये सही है। भारत की मध्यान रेखा 82.5, 82 डिग्री, 5, 82.5, एकमात्र सिंगरौली जिले से गुजरती है, दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका 39 का। फिर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252, मतलब 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से छठवां और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य। साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों में 21वें नंबर पर है। वहीं लिंगानुपात की दृष्टि से
18वां राज्य है। तो इसमें तीनों सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 40 का सी सही है। फिर 41वां कौन सा, 41 क्वेश्चन नंबर 41। तमसा नामक नदी जिसके तट पर रामायण कालीन वाल्मीकि आश्रम था, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती थी, इस तमसा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो याद रखिए इसका है टॉन्स, डी ऑप्शन सही है 41 का। फिर 42, पनगुड़ैया नामक अशोक का अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिए 42 का ये है सीहोर। 42 का ए है सीहोर। फिर है 43, निम्न को सम्मिलित करना है हमें, तो 43 शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में, हिरण का शिव मंदिर ये सागर में, तेगबा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, याद रखिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है 43 का, 43 का। फिर है 44, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको रखना है याद, वाराणसी, बनारस में हुआ था। ठीक है, फिर 45 है सही, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है 45 का ए, झाबुआ। ठीक है, फिर है 46, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अमर शहीद लाल पद्माधार सिंह, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, वे सतना जिले के किपाड़ नगर में पैदा हुए थे। अमर सिंह शहीद ठाकुर रणमत सिंह, जिन्हें 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, उनका जन्म सतना जिले के मनकहरी में हुआ था। दोनों सही है, सी ऑप्शन है 46 का, 46 का सी ऑप्शन सही है। फिर है 47, क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह में काकू नाम से प्रसिद्ध थे, काकू नाम से प्रसिद्ध थे, तो याद रखिए ठाकुर रणमत सिंह। फिर है 48, राज्य के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्व, कौन सा वर्ष में 2 बार मध्याह्न के समय सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है? तो 48 का है सी, रतलाम। ठीक है, फिर है 49 नंबर, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 49, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो बुंदेलखंड के पठार पर स्थित है, गलत है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो नर्मदा की घाटी में स्थित है, ये भी गलत है। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिए यही सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है 49 का। फिर है हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 सुमलित करना है ने? तो इसमें 50 का है काली मिट्टी, ये मालवा का पठार में, लाल मिट्टी रीवा पन्ना पठार, जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत का पठार, लेटेराइट मिट्टी ये छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 50 में, ये ऑप्शन सही हुआ। फिर है 51, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, इसमें कौन कौन से जिले शामिल, राज्य शामिल हैं? तो हम देखते हैं 51 51, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की यह अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है 51 का। अब है हमारा 52वां क्वेश्चन, 52, वाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? वाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो याद रखिए सोन नदी पर, ए ऑप्शन सही है। 52 का ए ऑप्शन सही है। फिर है 53 क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना है 53 का सी, बेतवा नदी।
चौवनवा क्वेश्चन हमारा। राष्ट्रीय पार्क है सूची एक में, सूची दो में जिले हैं, तो हम लोगों को देखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिए यह है उमरिया में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है शिवपुरी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह है हमारा छिंदवाड़ा सिवनी में, और संजय राष्ट्रीय उद्यान यह है सीधी कोरिया में। तो इसमें ऑप्शन हुआ हमारा डी ऑप्शन सही। ठीक है, फिर है 55वां क्वेश्चन, कौन सा 55 नंबर का। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? तो आपको याद रखना है डिंडोरी, ए ऑप्शन सही है इसमें। फिर हमें सम्मिलित करना है सूची एक को सूची दो से। ठीक है, तो इसमें देखना है हमें 56 का। छप्पन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य यह है चंबल में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य यह है राला मंडल। ठीक है, तो 56 का कौन सा सही है? बी ऑप्शन 56 का बी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कान्हा किसली उद्यान विदेश का पहला राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर, ये सही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल के लिए संरक्षित, ये भी सही है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वन्य सघनता तथा पक्की सड़कों के लिए विख्यात है, ये भी सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, एक गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, फिर है 58 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मध्य प्रदेश देश का 88% सोयाबीन उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश की उपमा दी गई है। चना और अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। मध्य प्रदेश की बड़वानी धान अनुसंधान केंद्र स्थापित है। मालवा के पठार के सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है, गलत है। ठीक है, भिंड मुरैना में होता है सबसे ज़्यादा सरसों, तो डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 58 का डी। 59वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। 59, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? हरदा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन है? इंदौर। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार अनूपपुर। याद रखिए अभी टीकमगढ़ से एक निवाड़ी जिला अलग हुआ है, ये जिला जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ठीक है, 2021 की जनगणना के अनुसार इसे ही मान्यता मिल जाएगी। अब है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मध्य प्रदेश का पहला जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, जिसका जनघनत्व है 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से काफ़ी कम है। सही बात है। मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.35 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% से अधिक रही। सही है, तो चारों सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 60 का डी सही है। फिर 61वां क्वेश्चन नंबर, अधिकतम जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के जिलों को क्रम से लगाना है। तो इंदौर, उसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, याद रखना बी ऑप्शन सही है 61 का। फिर 62वां क्वेश्चन नंबर, 62 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या झाबुआ वृद्धि वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो इसमें है 62 अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिला, सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिला, तो इसमें इंदौर और भोपाल है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिला, तो इसमें अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो याद रखना इंदौर है। सबसे कम कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा अपना 1, 2, 4, 3। ठीक है, याद रखिए। फिर 63 क्वेश्चन नंबर, 63 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। 63 जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 6वां बड़ा राज्य है, जैसे भारत की कुल जनसंख्या 6% लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है। ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जो राजस्थान से छोटा है। राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ये सही है, तो याद रखिए ए बी डी सही है और सी ऑप्शन गलत है। इसका सी ऑप्शन है 63 का। फिर बात करते हैं 64वें क्वेश्चन की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश की 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या शहरी आबादी, तो याद रखिए 1.59 करोड़। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी, तो ये थी 4.43 करोड़। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष आबादी, तो ये 3.14 करोड़। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला आबादी, तो ये थी 2.89 करोड़। ठीक है, तो इसमें हुआ बी ऑप्शन सही, 64 का बी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 65वें क्वेश्चन की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम,
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग जबलपुर। ठीक है, तो 65 का ए ऑप्शन सही है। फिर 66वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए। तो याद रखना है 66 का है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। बी ऑप्शन सही। फिर 67 क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, मध्य प्रदेश में 94% जनसंख्या हिंदियों की है, जिसमें साक्षरता 62.8% जो सबसे ही कम है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का 6.4% है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है, 67 का बी है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जैन समुदाय की जनसंख्या 0.9% है, राज्य में इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सही है, मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय की जनसंख्या 0.3% है, जिनमें साक्षरता जैन की बात सर्वाधिक है। फिर 68 क्वेश्चन नंबर 68, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। 68 में सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला है जबलपुर, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता है जिला भोपाल। ये ऑप्शन है 68 का। ठीक है, फिर है 69, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिलों को घटते क्रम में लगाइए। ठीक, 69, तो इसमें जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? सही कथन देखना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला नरसिंहपुर है, जबकि सबसे कम लिंग अनुपात जबलपुर में है। ये गलत है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला भोपाल है, जबकि सबसे कम महिला साक्षर जिला अलीराजपुर है। ये सही है, बी ऑप्शन सही है, याद रखना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला नरसिंहपुर है, जबकि सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। ये भी गलत है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला जबलपुर है, जबकि सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। तो याद रखिए बी ऑप्शन इसमें सही है, 70। फिर 71 क्वेश्चन नंबर 71, अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति वाले जिलों को क्रम में लगाइए। तो इसमें उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। ए ऑप्शन सही है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। तो 72 का है, 50% में है, याद रखिए उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या के वाले जिले। तो याद रखिए इसमें इंदौर, उज्जैन, सागर। बी ऑप्शन सी ऑप्शन है, 72 का सी ऑप्शन है। अब है 73 क्वेश्चन नंबर 73, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। किला हो गए, ये निर्माता हो गए उनके। ठीक है, ग्वालियर का किला, आसाराम अहीर, ग्वालियर का किला,
ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? निर्माता पूछ रहा है। तो राजा सूरज सेन ने। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो याद रखना, असीरगढ़ का किला बनवाया था राजा आसाराम या अहीर ने। चतेरी का किला कीर्तिपाल। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हुआ, 73 का बी ऑप्शन सही है। फिर है 74, 74 क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा स्थान मध्य प्रदेश प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध करता है? तो आपको याद रखना है 74 का है बी ऑप्शन, काय था। 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है हमें। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विहगदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ये सही है। पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा। ये भी सही है। कालिदास रचित मालविकाग्निमित्तम नामक नाटक में अग्निमित्र शासक नायक था। ये भी सही है। सतना जिले के भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के निर्देश पर अग्निमित्र ने करवाया। ये गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 75 का सी सही है। फिर है 76 क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है इनमें। 76, चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने की जिसने महोबा को अपनी राजधानी बनाया। ये गलत है। ठीक है, 76, जय शक्ति के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जिजागुक्ति पड़ा। ये भी सही है। चंदेल शासक धंग ने खजुराहो के विश्वविख्यात पार्श्वनाथ विश्वनाथ जिनाए एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही है। चंदेल शासक गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया। ये सही है। कन्हैया महादेव का निर्माण यशोवर्धन ने करवाया था। ये भी सही है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 76 का डी है। फिर है 77, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, मल्हार राव होलकर ने। 77 का ये ऑप्शन सही है। फिर 78, देवी अहिल्याबाई का विवाह हुआ, याद रखिए, खांडे राव होलकर के साथ। ये ऑप्शन सही है। 79, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है? मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी का भी कहा जाता है? तीनों सही है। ठीक, याद रखिए। अब है 80वां क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन हमारा। इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? उत्तर की ओर नहीं बहती है पूछ रहा है 80। तो याद रखना है आपको, बैनगंगा। 81 है, वर्धा एवं बैनगंगा की संगम स्थल को कहते हैं? 81 ए, प्राणहिता। फिर है 82, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तावा नदी पर है जो होशंगाबाद में है के निकट है? सही है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो रीवा नदी की नदी पर है? ये भी सही है। काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव देवास से हुआ है? ये भी सही है। तीनों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन है,
फिर हमारा है 83वां क्वेश्चन, सोन नदी के बारे में सत्य कथन। सोन नदी अमरकंठक अनूपपुर से निकलकर, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, इसकी सहायक नदी जोहिला है, यह बिहार के दीनापुर की पहाड़ियों के पास गंगा नदी में मिलती है। याद रखने, डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है, 84 का डी ऑप्शन सही है। फिर है 84, कौन सा जल पेपाल नर्मदा नदी पर नहीं बनता है? धुआंधार बनता है, मंधार बनता है, दुग्ध धारा बनता है, डचेस फॉल नहीं बनता है। याद रखना है, डी ऑप्शन गलत है। फिर है 85, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पियड़ नदी से संबंधित नहीं है? डी वासिल, चचाई भी है, बहुटी है, केवटी है, शंकर खो नहीं है, डी ऑप्शन है। 85 का डी ऑप्शन सही है। फिर 86, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चुलिया जलप्रपात चंबल में है, ये सही है। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी पर है, सागर में, ये भी सही है। पातालपानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सही है। भाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल पर है, ये गलत है। ठीक है, फिर अपना 87 क्वेश्चन नंबर 87वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट व सिवनी जिलों में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। डिंडोरी जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। इसमें ऑप्शन है तीनों, डी ऑप्शन सही है। प्रदेश का पहली अंतरघाटी परियोजना कौन है? चोरल नदी परियोजना, 88 का ये ऑप्शन सही है। फिर हमारा 89वां, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 89 का है बांध परियोजना, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से है। काली सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से है। ईव परियोजना, ये मध्य प्रदेश उड़ीसा से। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 89 का डी ऑप्शन है। फिर हमारा 90 क्वेश्चन नंबर 90, कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो याद रखना है पन्ना, 90 का ये ऑप्शन सही है। निम्न को सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो सुक्ता परियोजना ये खंडवा जिले में, थावर परियोजना ये मंडला जिला में, वरना परियोजना ये रायसेन जिले में, चोरल नदी ये इंदौर में है, चोरल नदी परियोजना, तो इसमें बी ऑप्शन है 91 का। फिर है 92वां क्वेश्चन 92, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध सिंचित क्षेत्र फल की दृष्टि से भारत मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। 1905 में ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराजा ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। असत्य नहीं है, तो इनमें दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन सही है। 92वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर है 93वां, निम्न में से कथन असत्य कथन को का चयन करना है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है जबलपुर। अलीराजपुर भगोरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया था, ये सही है। कट्ठीवाड़ा झरना धार जिले में है, ये गलत है, तो 93 का है डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है 94वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के संबंध में मैग्नेनी का क्या है? मैग्नेनी, ठीक है, तो प्रदेश के उद्योग निगम के एम्पोरियम, ये ऑप्शन सही है 94 का। 94 का ये ऑप्शन सही है। फिर है 95वां, निम्न में से
कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 95 अमरकंटक सेकंड ताप विद्युत केंद्र उमरिया में, ये सही है। वर्गी परियोजना जबलपुर में, ये भी सही है। राजाट परियोजना ललितपुर यूपी में, ये भी सही है। चंदेल प्रोजेक्ट बुरहानपुर, ये गलत है। इसमें डी ऑप्शन है 95 का। 95 का कौन है? डी ऑप्शन, ठीक है। फिर है 96वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन, इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। इसमें डी ऑप्शन चारों सही है। फिर 97वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्यप्रदेश का गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर हुआ, सही है। मध्यप्रदेश का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया। वर्ष 2003 में 3 जिलों का गठन किया गया था। मध्यप्रदेश के गठन के समय 42 जिले थे, ये गलत है, 43 थे। 1956 में 43 जिले थे, ठीक। फिर है 98वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 98वां देख रहा हूँ। मध्यप्रदेश का सर्वाधिक जिला वाला संभाग होशंगाबाद है। 58 ये गलत है, सत्य नहीं है। मध्यप्रदेश का नवनिर्मित 10वां संभाग नर्मदापुरम है। मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होशंगाबाद है। मध्यप्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। तो इसमें सी ऑप्शन है, 58 का सी ऑप्शन है, ठीक है। 98 का सी ऑप्शन है। फिर है 99 का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 99 का है ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश का 49वां जिला 27 मई 2008 को बना, ये गलत, सही नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ 52 जिले हो गए, ये भी गलत है। पहले ही सही था लेकिन 2018 से 52 जिले हो गए, ठीक है। फिर 100वां क्वेश्चन है। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के संबंध में सही कथन कौन कुछ छांटना है हमें, ठीक। 100 वोल्डाना अकोला अमरावती यवतमाल वर्धा नागपुर भंडारा चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में चले गए। भानपुरा तहसील के सुनील ठप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ये भी सही है। राजस्थान के कोटा जिले की सिरौन तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई, ये गलत है। पारसी विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो इसमें सी ऑप्शन सही हुआ, 1, 2, 4 ठीक है। फिर 101वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राज्य जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा से कुछ छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? तो आपको याद रखना है 101वां है डी, चारों की, आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा, चारों की छूती थी, आंध्र प्रदेश की भी बिहार की भी झारखंड की और उड़ीसा की। फिर 102वां क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश की गत 70 दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 26 रही है, गलत रहा है, 26:26 ये गलत है। मध्य प्रदेश नगरीय जनसंख्या छब्बीस 25% है, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या
37% है, ये सही है, सी ऑप्शन है 102 का। तो रहे 103वां क्वेश्चन, मध्य विदेश के संदर्भ में जिला है, ठीक है, 103वां, ए ऑप्शन सही है इसमें। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दर वाला जिला इंदौर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, ठीक है, 103 का ए ऑप्शन सही है। रहे हमारा 104वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मध्य प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश की कुल सड़क का लगभग 5.33% है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 77 है, पिंजवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, इसकी मात्र लंबाई 30 किलोमीटर है, ये गलत है। NH 7 प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ये भी सही है। तो याद रखिए 104 में सी ऑप्शन है। फिर है 105वां क्वेश्चन, धार के किले के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका पुनर्निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान करवाया, ये सही है। इस किले में खरबूजा या खरवाड़ा महल है, ये भी सही है। इस किले में शिवाजी के बेटे का जन्म हुआ, ये गलत है। इस किले में किले में अंदर अवस्थित देवी कालिका मंदिर परमार नरेश मुंज ने बनवाया था, ये सही है। इसमें सी ऑप्शन है, 105 का सी ऑप्शन है। अब बात करते हैं 106वें क्वेश्चन की, निम्न कथनों पर विचार करें, कथन असत्य नहीं है, देखना है। 106, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में है, सही है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर राजा आसा ने करवाया था, ये भी सही है। इसे अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया, ये भी सही है। इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है 106 का। अब बात करते हैं 107वां क्वेश्चन, 107वां, नरवर के किले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह शिवपुरी जिले में है, सही है। यह किला नल एवं दमयंती की प्रणय कथा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ये कछवाहा तोमर और जयपुर के राजघराने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इसमें तोपेश्वर मंदिर 500 वर्ष पुराना स्थित है, डी ऑप्शन गलत है, याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें 107 में डी, 107वां डी है। 108वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला बंजर एवं नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है? 108 का है बी ऑप्शन, मंडला का दुर्ग, मंडला का अगला है 109वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 109वां कौन सा सुमेलित नहीं है? इतदार महल ए रायसेन में, दाई का महल ए मांडू में, मदन महल ए जबलपुर में, नौखंडा महल ए धार में नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें, 109 का डी ऑप्शन है, याद रखिए। 110, तोतों का किला किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है गिन्नौर के किले को, तोतों का किला कहा जाता है गिन्नौर के किलों को। 111वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा है, तो आपको याद रखना है खजुराहो, सी ऑप्शन है। अगला है 112, मारा की गुफाएं जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर है? ए भी सिंगरौली में है, ए ऑप्शन सही है इसमें, 112 का ए ऑप्शन सही। फिर है हमारा 113, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोग
29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटें 6 सीटें आरक्षित हैं। ये सही है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं, ये गलत है, याद रखिए डी ऑप्शन है 113 का। फिर 114 का क्वेश्चन, निम्न में से असत कथन का चयन करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बीज का राष्ट्रीयकरण साल बीज का 1975 में किया गया। मध्य प्रदेश खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1981-82 से चलाया गया। और डी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में 4 वन राजकीय महाविद्यालय, डी ऑप्शन है इसमें, ये गलत है। ठीक है, असत्य कथन चुनना है, 114 का डी है। 115 अगला क्वेश्चन है, 115 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये योजनाएं हो गई और जिन नदियों पर हैं इसमें, तो 115 बाण सागर ये सोन नदी पर है, उर्मिल परियोजना ये उर्मिल नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है, ग्रेटर गंगऊ बांध एक कैन नदी पर है, तो इसमें बी ऑप्शन हुआ सही। ठीक है, फिर 116 निम्न में कथनों सत कथन चुनना है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल 94,689 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग वन क्षेत्रफल 0.9 हेक्टर है, ये गलत है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में साल वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन शहडोल में जिले में, ये भी गलत है, ये ऑप्शन है 116 का, याद रखना। फिर अगला 117 निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल पुलिस रेंज है 11, ये सही है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर में स्थापित है। होमगार्ड पैरा पुलिस कोर्स का मुख्यालय भोपाल में, ये गलत है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो 117 का कौन सा ऑप्शन है इसमें, 117 में है सी। ठीक है, फिर 118 वह हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो याद रखना है हमें, होशंगाबाद पन्ना बैतूल, ए ऑप्शन सही है। 119 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो पहाड़ी कोयबा ये जसपुर, बेगा ये मंडला, मरिया पातालकोट, सहरिया ग्वालियर, ठीक है, ये जनजाति है उनसे संबंधित क्षेत्र, तो इसमें हुआ ए ऑप्शन सही। 120वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या है, तो आपको याद रखना है झाबुआ, डी ऑप्शन है। 121वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर पाई जाती है, तो 121 का है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। फिर 122वां क्वेश्चन, शाहजहाँपुर जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। 122 यहाँ देश का पहला गौ अभ्यारण बनाया जा रहा है, ये भी सही है। यह राजस्थान से लगा पूर्वी जिला है। ये गलत है, यहाँ नलखंडा के का प्रसिद्ध मंदिर और चिलर नदी के तट पर प्रसिद्ध किया गया, ये भी सही है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है, ये भी सही है, इसमें बी ऑप्शन है, याद रखना। 122 का कौन सा है बी। फिर 123वां क्वेश्चन, उज्जैन जिले के बारे में विचार करें, सही कथन चुनना है, इनमें कौन सा कथन सही है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य लंबवत 90 डिग्री होता है, यहां मध्य प्रदेश का एकमात्र वेधशाला है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक
अनुसूचित जाति वाला जिला भी है। तीनों सही है, डी ऑप्शन है 123 का, 123 का डी है। पर 124, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सांची में डीजल इंजन कलपुर्जा कारखाना प्रस्तावित है। फ्रांस में भारतीय विरासत शहरों में नेटवर्क में भोपाल महेश्वर को प्राचीन धरोहर के संरक्षण के लिए चुना गया। राज्य शासन ने मंदसौर जिले को पवित्र जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना उपहार योजना 14 जुलाई 2011 से लागू की गई थी। तो आपको याद रखना है 124 का डी ऑप्शन है, चारों सही है। तरह 125वां, टीकमगढ़ के बारे में क्या सत्य नहीं है, टीकमगढ़ जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, देश की पहली नदी तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत यहीं से की जा रही है। यहाँ प्रसिद्ध कुकड़ेश्वर या कुंडेश्वर मंदिर है जो शिवलिंग के आकार बढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। कवि केशवदास उड़ीसा से थे। निदान कुंड नामक जलप्रपात यहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, वो आपको यहाँ जानकारी दे दें कि अक्टूबर 2018 में, 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया और ओरछा तहसील अब निवाड़ी जिले में आती है। ठीक, 52वां जिला है निवाड़ी। 126वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो 126वां है, राज्य का प्रथम कंपोजिट लॉजिस्टिक हब हुआ होशंगाबाद में, ये भी प्रस्तावित है, ये भी सही। राज्य शासन ने सभी सरकारी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में जुलाई 2012 से पंच का अभियान प्रारंभ किया है। भारत सरकार का ट्रेवलर अवार्ड 2012 का मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को दिया गया। संजय गांधी युवा नेतृत्व तथा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में, ये गलत है। तो 126 का याद रखना है आपको, डी ऑप्शन है। फिर 127 है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसे केंद्र सरकार ने 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश के सीधे जिले में अवस्थित है। वही यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, कोरिया, याद रखना है कोरिया। 127 बी कोरिया। ठीक है, फिर अगला है, एक सौ 128वां, इनमें से कौन सा क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में भी आते हैं। तो आपको याद रखना है पचमढ़ी और अमरकंटक, अचानक कमार, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर 129, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदिवासी लोक कला पर केंद्रित पत्रिका चौमासा का प्रकाशन करती है। मध्य प्रदेश अकादमी का मुख्यालय भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह खंडवा में मनाया जाता है। इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अरबी साहित्य में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन है, याद रखना 129 का डी ऑप्शन है, 129 का डी है। 130, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है अटारी नृत्य एक कोरकू जनजाति से संबंधित है, माओ पाटा नट ये मुरिया जनजाति से संबंधित है, दुलदुल घोड़ी ये सहरिया जनजाति से संबंधित है, गौर नृत्य ये ओराव जनजाति से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है 130 का डी ऑप्शन है, 130 का क्या है डी ऑप्शन। फिर है हमारा 31, 131, भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिए भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, तो बीना में, एमपी में। ठीक, फिर 132,
कौन सा, 132 पुरस्कार हैं और इस क्षेत्र महात्मा गांधी सम्मान इस सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। 132 कबीर सम्मान ये गायन के लिए दिया जाता है। तानसेन सम्मान ये हिंदुस्तान संगीत के लिए दिया जाता है। और देवी अहिल्याबाई सम्मान ये भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, 32 का बी है। फिर है 133 लोक नृत्य काठी का संबंध है। 133 लोक काठी का संबंध कहाँ से है, तो नेवाड़ से। 134 उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लहंगी कौन सा, लहंगी। अगला है कौन सा, अबे 135वां क्वेश्चन, 135वां। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन में कालिदास सम्मान 2010-11 दिया गया है। तो 2010-11 का कालिदास सम्मान किसे मिला था, सी अनुपम खेर को, सी ऑप्शन है। 136 है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है बी 12 जनवरी को। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया, 137वां क्वेश्चन है। ओरछा के को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया, तो आपको रखना है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। 148 ग्वालियर में सिंधिया वंश की सत्ता कब स्थापित हुई, तो आपको रखना है 1765 कब हुई, 1765। गणराज्य व क्षेत्रा के जोड़े में असंबद्ध जोड़ा है, प्राजुन गणराज नरसिंहपुर ये सही है, काकड़ाड़ गणराज अमरकंटक ये गलत है, बी ऑप्शन है इसमें। ठीक, खरपरी गणराज ये दमोह क्षेत्र में, आभीर पर पार्वती व बैतवा मध्य क्षेत्र ये है। ठीक है, तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन है 139 में, बी। फिर है 140 ऐतिहासिक स्थल व संबंधित जिला के जोड़े में असंगत है, भरथरी गुफाएं उज्जैन में है, भरतकूप चित्रकूट में है, रामघाट विदिशा में नहीं है, एक सी ऑप्शन है इसमें, खूनी भंडारा बुरहानपुर में। तो याद रखिए 140 में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फिर अगला हमारा 141 सम्मिलित नहीं है। 141 मध्य प्रदेश का प्रथम कंपोजिट लॉजिस्टिक हब पावर खेड़ा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश को अक्टूबर 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में हुई थी। भूसी आधारित संयंत्र जादूखोड़ा धार में है और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उज्जैन में नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। तो 141 का कौन सा है, डी। फिर 142 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 142 मालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर, राहतगढ़ सागर में अवस्थित है, मंदार व दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर में स्थित है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें। 142 का सी है। 143 बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सिद्ध बाबा पहाड़ी, बी ऑप्शन है। फिर है हमारा 144 निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। ठीक है, तो 144 है मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रभाकर डूंडीराज थे, मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अब्दुल गफ्फार खान थे, सी ऑप्शन है। 144 का कौन सा ऑप्शन है, सी। फिर 145 खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है 145 डी चंदेल ने सासपुर। फिर 146 राजा रोहित महल बादल महल और इत्तदार महल किस दुर्ग में अवस्थित हैं,
आपको याद रखना है रायसेन दुर्ग में, बी ऑप्शन है 140 का बी है, 147। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 5 अक्टूबर 2011 में, ए ऑप्शन है 147 का। फिर है 148, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश शासन ने महासीर नामक मछली को राजकीय मछली का दर्जा देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश शासन ने 25 मार्च 2012 को आज़ाद हिंद रेडियो नामक सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र प्रारंभ किया। संगीत का सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार मार्च 2012 में अनुराधा पौडवाल को दिया गया था, ये भी सही है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 27 तीर्थ स्थलों का चयन किया है, ये गलत है। तो याद रखिए 148 में डी ऑप्शन है, 148 में डी। फिर 149, निम्न कथनों पर विचार करें, कथन असत्य है, असत्य कथन चुनना है। तो 149, 25वीं सीनियर ऑल इंडिया कराटे को फेडरेशन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 का राष्ट्रीय न्यायिक पुरस्कार ग्वालियर जिले को मिला है। श्री सेंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले के ग्राम डोगलिया में निर्माणाधीन है। राज्य का प्रस्तावित तीसरा पशु चिकित्सालय दतिया में स्थापित किया जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन है, कोई नहीं है, कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। ठीक है, बात करते हैं 150वें क्वेश्चन की। सितंबर 2012 में रायसेन में सांची विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिसमें कुछ विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की थी, तो वे कौन थे? श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन सही है, 150 का ये है। 151, प्रोजेक्ट मोरे डूबलिया क्या है? बेटी बचाओ अभियान के तहत डिंडोरी में महिलाओं को जोड़ने की बहुउद्देशीय कार्यक्रम, 151 का ये है। फिर 152 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लॉक संस्थान जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। किलौद फिल्म सिटी बनने के कारण चर्चित रहा है। रेल बजट 2012 में विदिशा जिले में डीजल इंजन फैक्ट्री प्रस्तावित है। लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रॉनिक मापन व्यवस्था शुरू करने वाला मध्य प्रदेश हरियाणा के बाद दूसरा राज्य यही है, गलत है, सत्य नहीं है। तो याद रखिए 152 में डी ऑप्शन है। 153, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 153, माता की रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गरीब लोगों के खुदरा टोला से शुरू की गई, शहरों से। राम रोटी योजना शहरी क्षेत्रों में बेसहारा गरीब हेतु भोजन के लिए की गई है, तो याद रखना दोनों सत्य हैं, 153 का डी है। फिर 154, निम्न में से कौन सा विषय में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है? क्या है निम्न में से कौन सा विषय में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान भारत में प्रथम स्थान है? तो ग्राम न्यायालय की स्थापना में प्रथम है, जिला सरकार की स्थापना, महिला नीति निर्माण में प्रथम है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने में प्रथम है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने में प्रथम है। ठीक है, अरे 155वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मेलन ठीक नहीं है? 155वां, तो याद रखिए रेप्टाइल पार्क ये पन्ना में है, पहला सर्प उद्यान ये भोपाल में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रीवा में नहीं है, सी ऑप्शन है, उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर में, तो याद रखिए 155 का सी ऑप्शन है। फिर 156, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एशिया का सबसे बड़ा असत्य नहीं है, चुनना है। ठीक है,
एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र खजुराहो में स्थापित है। सर्वाधिक कुपोषित जिला शिवपुर है। सबसे कम सब कुपोषित जिला इंदौर है भोपाल है सॉरी भोपाल। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी 94 कितनी किलो वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें डी ऑप्शन है। तो याद रखिए 156 में डी ऑप्शन है। फिर है हमारा 157 खेल एवं व्यावसायिक राजधानी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, पहली स्थायी लोक अदालत, एग्रो बिजनेस समिट 2012। निम्न कथनों का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आपको याद रखना है इंदौर। 157 का बी ऑप्शन है इंदौर। फिर है हमारा 158 प्रथम टिश्यू कल्चर लैब, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई, काली बहुत अभ्यारण भालू संरक्षण, कोरकू जनजाति, संतरी मंडी व सारणी ताप विद्युत केंद्र, उपयुक्त विशेषताएं किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है बैतूल से संबंधित है। 158 का है बी ऑप्शन। अंटार्कटिका में भारत की तीसरे अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई है, उसका क्या नाम है, तो याद रखना है भारती। 159 का सी है भारती। अब है हमारा 160 का क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है सही नहीं पूछ रहा है। तटीय सुरक्षा के लिए देश के पहले रडार की स्थापना पोरबंदर व मुंबई में की जा रही है। पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अकादमी की स्थापना भोपाल में प्रस्तावित है। WEF द्वारा वैश्विक वित्तीय स्पर्धा सूचकांक में भारत 59वें स्थान पर रही, वहीं स्विट्जरलैंड प्रथम पर। केंद्र सरकार ने बहु खुदरा क्षेत्र में 76% FDI की मंजूरी दी है, यही ऑप्शन गलत सही नहीं है, तो याद रखिए 160 में डी ऑप्शन है। फिर है 161 संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष किस तारीख को मलाला दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 161 का है बी ऑप्शन 10 नवंबर को। याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष किस तारीख को मलाला दिवस मनाने की घोषणा की है, 10 नवंबर को। 162 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में एक सत्य है। 162 मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 162 का डी ऑप्शन है, ठीक है। फिर 163 क्वेश्चन भारत रुपया चिन्ह के बारे में विचार कीजिए। इसे डी उदय कुमार ने तैयार किया। यह चिन्ह देवनागरी व रोमन लिपि में लिखा है, दोनों सही हैं, सी ऑप्शन है 163 का। फिर 164 मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिलों का सही क्रम है, तो आपको याद रखना है भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया शिवपुरी, डी ऑप्शन है। 165 है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है 1974 में, सी ऑप्शन है। 165 का क्या है सी ऑप्शन। 166 डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है धार में, ए ऑप्शन सही है। फिर 167 निम्न में से किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है, तो आपको याद रखना है 167 में है बी नर्मदा में, चंबल कैंटोन में चलाई जा रही है लेकिन नर्मदा में नहीं चलाई जाए। फिर 168 क्वेश्चन है सुरमेनिया अभ्यारण किस जिले में प्रस्तावित है, तो आपको याद रखना है पूर्वी निवाड़। 169 मालवा ताप विद्युत के ग्रह किस जिले में है, तो आपको याद रखना है सागर। 169 का है सी। 170 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है,
याद रखना है कटनी में, ये ऑप्शन है 170 का। फिर है हमारा 171, कौन सा 171। खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइड, डी ऑप्शन है 171 का, डी ऑप्शन है। हिनौता एवं मझगवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है स्वर्ण खनन के लिए 172 में, ए ऑप्शन है। 173 ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है रानोजी सिंधिया द्वारा। 174 है भोपाल राज भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, तो आपको याद रखना है इसे 1 जून 1949 में, ये ऑप्शन है 174 का। 175 निम्नलिखित में से कौन से राजा भोज की कृति नहीं है, तो आपको याद रखना है इसमें डी चरक संहिता नहीं है, डी ऑप्शन है, ठीक है चरक संहिता नहीं है। सरस्वती कंठाभरण है, सम्रांगण सूत्रधार है, विद्या विनोद है। 176 ताम्र पाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है, तो आपको याद रखना है 176 डी उज्जैन के। अब 177वां क्वेश्चन है, डॉक्टर हरी सिंह गौड़ ने 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना लाहौर में, ए ऑप्शन है 177 का, ए ऑप्शन है। 178 मंडला राजधानी थी, तो आपको याद रखना है गौंड की, सी ऑप्शन सही है। 179 सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है 169 महादजी सिंधिया, ए ऑप्शन है 179 का। 180 का, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की, तो आपको याद रखना है 180 का है दौलत राव सिंधिया ने, डी ऑप्शन है 180 का। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है खजुराहो में। 182 निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है बेगा सहरिया गौंड कौल, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है बेगा सहरिया गौंड कौल। अब बात करते हैं 183वें क्वेश्चन की, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है, तो 183 में है ऋतु संगार। याद रखना है सभी ग्रंथ किसके लिखे हुए, कालिदास के, कुमार संभव, शकुंतलम, मेघदूतम और ऋतुसंगार। ऋतुसंगार में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। 184 का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री बना, तो आपको याद रखना है प्रकाश चंद्र सेठी। 185 का ए है। 146 मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है 186 का डी मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ है, सीहोर में, ये ऑप्शन है 186 का ए है। 187 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित के क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला, तो आपको याद रखना है राजेश चौहान ने, नरेंद्र हिरवानी ने खेला, मुश्ताक अली ने, अमर खुरासिया ने खेला। फिर है हमारा 188 वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में दो नए जिले गठित किए गए थे, पहचानिए कौन से थे वो, तो आपको याद रखना है सिगरौली एवं अलीराजपुर, डी ऑप्शन है। अगला 189 का, निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग में किसका मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो ये आपको याद रखना है NH3 आगरा ग्वालियर देवास बॉम्बे तक। 190वां सही जोड़े पहचाननी है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है, सूची एक सूची दो, ठीक है। तो इसमें है हमारा बी ऑप्शन भोज
धार में दुर्गावती, गौड़वाना, समुद्रगुप्त, उज्जैन, अशोक, विदिशा। तो याद रखिए 190 का बी ऑप्शन सही है, 190 का बी है, 91, 191। कोल बेड मेथेन पाई जाती है, तो आपको याद रखना शहडोल में। 192, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको याद रखना है तांबा एवं हीरा का। 192 का डी है। 193, निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन शामिल है, ग्वालियर नहीं है। 194, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, तो आपको याद रखना है 194 में इटारसी, सी ऑप्शन है, ठीक है। फिर है 195 का, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, कौन सा है, तो आपको याद रखना है अखबार ग्वालियर, बी ऑप्शन है। मेघनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो 196 का ए है, वृंदावन लाल वर्मा। 196 का ए ऑप्शन सही है। 197, मध्य प्रदेश में नवनिर्मित जिलों में नहीं है, बुरहानपुर, डी ऑप्शन है 197 का। 198, पंचनद प्रोजेक्ट अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नहीं है, पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, लेकिन नर्मदा नहीं है। 198 का बी ऑप्शन है। 199, मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला है, तो आपको याद रखना देवास। 200 नंबर का है, कश्मीर ए मालवा किस किले को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ए नरसिंहगढ़ किले को। तो चलिए ये थे मध्य प्रदेश के जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा सामान्य ज्ञान देखा है, उसी पर आधारित 200 क्वेश्चन, उनके आंसर भी देखे, उन्होंने हमने अच्छी तरह से देखा है, सॉल्व भी कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम और देखेंगे 100 जितने भी होंगे उसमें, तो इसमें 200 थे, ठीक। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे।